तो गाइज मज़े आने की ना फुल गारंटी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपीज थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से किया करें, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए दो रेसिपीज़ लेके आए हैं, विंटर स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही कमाल की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं किचन में आ रेसिपीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इमली का एक पैकेट लिया है, 250 ग्राम्स हैं। तो यहाँ पर पानी में हमने इमली को उबलने के रख देना है। यहाँ पर डेट्स लिए हैं, तो मेरी डेट्स हैं सीड के साथ हैं, आप सीडलेस डेट्स भी ले सकते हो। तो पानी में हमने इमली को डाल दिया है, तो इसके साथ ही हमने जो खजूर थी उनको भी हमने डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को हमें सॉफ्ट करना है क्योंकि इसके सीड्स हमें रिमूव करने हैं। तो ये इजी और फास्टेस्ट वे है जिसके साथ हम बहुत ही जल्दी खजूर और इमली की सीड्स को निकाल सकते हैं। तो पानी में बॉयल आ चुका है, तो इस स्टेज पर हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो 30 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं खजूर और इमली बहुत ही बढ़िया से फूल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हम चेक करते हैं डेट का जो सीड है बहुत ईजिली निकल गया है, तो जो हमारी इमली है उसका सीड भी निकल चुका है। तो पल्प यहाँ पे है, तो खजूर और जो हमारी इमली है उसको हमने अलग प्लेट में कर लिया है। तो इसके साथ ही हमने जो इसमें से हमने सीड्स निकाले थे वो सारे एक साइड पर रख दिए। तो इसको अब हम पीसने वाले हैं, तो दो बैचेस में मिक्सी में डालेंगे। जो इमली वाला खजूर वाला पानी है वो थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो आप नॉर्मल पानी भी इस स्टेज पर डाल सकते हैं। तो इसको हमने पीस लेना है। तो पीस कर हमने क्या किया, यहाँ पर एक पैन लिया है बड़े वाला, तो उसके ऊपर छन्नी रख दी है। ये जो हमने मिक्स रेडी किया है इसको हमने छानना है, और इस स्टेप को ज़रूर से फॉलो करना है, जिसके साथ इसमें कुछ छोटे मोटे रेशे होंगे वो ईजिली निकल जाएंगे और बहुत ही स्मूथ सा पल्प हमें मिल जाएगा, जिसके साथ हमारी चटनी बहुत ही कमाल की बनने वाली है। तो सारा पल्प हमने निकाल लिया है, अब हम इसको कुक करने वाले हैं। इसको हम 12 से 15 मिनट तक कुक करेंगे, जिसके साथ इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो आप आराम से इसको 1 से 2 महीने तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, उसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हम मीठे के लिए जैगरी पाउडर यूज़ कर रहे हैं, 1.5 कप डाला है, आप कम या ज़्यादा अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच, थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल बनाकर हमने इसको जो हमारी चटनी बन रही है उस घोल में डाल देना है, और इसको हम फटाफट से मिक्स करेंगे, नहीं तो ये बेस पर जाके चिपक जाएगा। इसके साथ बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर हमारी चटनी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने काली हरी इलायची और लौंग लिए है, रफली क्रश कर लिया है, और इसको भी हम चटनी में डालने वाले हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू फ्लेवर आता है। तो इसके साथ ही हमने ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर भी डाला है 1.5 चम्मच, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है टेस्ट इसका। तो देखिए कितनी गाढ़ी हमारी चटनी हो चुकी है, अच्छा से मिक्स दे देंगे। तो यहाँ पर गैस को हमने बंद कर देना है, यहाँ पर हमने मेलन सीड डाले हैं, इसके साथ इसकी लुक बहुत ही इन्हेंस हो जाती है और खाने में भी ये चटनी में बहुत ही अच्छी लगती हैं, अच्छा सा मिक्स दे देंगे। तो यहाँ पर सही समय है जब हमने गैस को बंद करना है, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने और भी गाढ़ा हो जाना है। देखिए ठंडा हो चुका है और कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है चटनी, जैसे हमारी मार्केट वाली टोमेटो केचप होती है। अगर आप पतली लाइक करते हैं तो पहले गैस बंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने उबले हुए आलू और ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, ब्रेड क्रम्स हमने बना लिए हैं, तो आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। प्याज डालेंगे इसमें, हरी मिर्ची डालेंगे, अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर हमने हरे मटर डाले हैं, कसूरी मेथी भी डालेंगे, इसके साथ ब्रेड क्रम्स हमने डाल दिए हैं जो मिक्सी में रेडी किए थे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, तो ज़ीरा है, अजवाइन डालेंगे, और धनिया पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर है, थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बढ़िया से हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको टिक्की शेप दे देंगे, ऐसे करके हमें सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेनी है। तो इसको हम सेकने वाले हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हमने तवे पे डालना है, बहुत ज़्यादा जैसे नहीं कि डीप फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑयल हमने इस पर डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हमने टिक्कियों को तवे पे सेक लेना है, बढ़िया क्रंच आने तक हमने टिक्कियों को सेकना है। 4 से 5 टिक्कियाँ तवे पे आ जाएंगी और बढ़िया सामने इसको, जब हमने इसको साइड चेंज करनी है इसकी, थोड़ा सा ऑयल के ऊपर वाली साइड पर भी लगा देंगे और इसको हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। कलर अच्छा आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, दोनों तरफ हमने बढ़िया सेक लिया है, बहुत कमाल की
बढ़िया वाली टिक्की बनके रेडी हो चुकी हैं। एक बार हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए सर्दी में ये वाली टिक्कियाँ ज़रूर से बना के देखें, और चटनी बनाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चटनी के आगे मार्केट वाली सारी चटनियाँ फेल हो जाती हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करके देखें। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।